प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि अधिकारी हजारों किसानों को लाभ देने का दावा कर रहे हैं। एक ओर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री सम्मान योजना को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर कृषि विभाग की उदासीनता के चलते किसान परेशान हैं। ऐसा ही मामला उपनिदेशक कृषि के कार्यालय पर सोमवार को देखने को मिला, जहां ब्लॉक बरौली अहिर क्षेत्र के किसान हरिकांत शर्मा इस योजना का लाभ लेने के लिए दर दर भटकते नजर आए। हरिकांत शर्मा कई बार विभाग के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो किसानों के लिए जो आ रहे थे पैसे 2,000 रुपए, वो नहीं मिले साहब अभी तक। कब से पैसा नहीं मिल रहा था? शुरू से नहीं मिला है। शुरू में जब योजना नहीं आई थी, जब हमने फॉर्म भरे थे, जब पटवारी को फॉर्म दिया था, लेखपाल को दिया फॉर्म, यहाँ ऑफिस में भागे, ब्लॉक में भागे, सब जगह फॉर्म दिए, फोटो स्टेट करा के आधार की थी, सब चीज दिया, अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। ऑफिस में गए थे, अभी साइड बंद है, साइड नहीं खुल रही है, साइड बंद है, साइड नहीं खुल रही है, साइड ही नहीं खुलती है जी, कभी कब खुलेगी साइड? ये क्या लगता है, ऐसे ही सब जो है घोटाला कर रहे हैं कहीं ना कहीं? कोई ना कोई गड़बड़ी है, कोई ना कोई दिक्कत है कहीं ना कहीं। क्या होना चाहिए योजना में? यार सीधे किसान खाते में आने चाहिए, तो सही किसान है उनके खाते में, जो गरीब वास्तव में परेशान है उनके आने चाहिए उनका पैसा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की थी। योजना में किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का ऐलान किया गया था। योजना की धनराशि 3 किश्तों में अलग अलग समय पर दी जाती है। इसके लिए किसानों के पास बैंक अकाउंट का होना अनिवार्य है। इसके अलावा दूसरी किश्त के दौरान आधार कार्ड भी जरूरी है, जबकि पहली किश्त के समय आधार कार्ड जरूरी नहीं होता। योजना में देश के सभी किसानों को लाभ देने की बात कही गई थी। सी न्यूज़ के लिए योगेश त्यागी की रिपोर्ट।